भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के सामने राजस्थान संकट फिर खड़ा हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तकरार एक और कदम आगे बढ़ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब संयम खो चले हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद का सपना सजोने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को गद्दार बताया है। उन्होंने कहा है कि एक गद्दार कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। वे ऐसे आदमी हैं जिनके पास 10 विधायक नहीं है। उन्होंने बगावत की, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, वह गद्दार है। गद्दार को कोई विधायक स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक पार्टी अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश की। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैसा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर से 10 करोड़ रुपए आए थे। इसका मेरे पास सबूत है। इन पैसों में से किसे कितना दिया गया ये मुझे नहीं पता। बता दें, मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने पार्टी अध्यक्ष पद की कुर्सी ठुकरा दी है। मुख्यमंत्री गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी सचिन पायलट को सौंपने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्होंने ऐसी बिसात बैठाई कि पायलट की यह कोशिश नाकाम हो गई। इसके बाद से दोनों गुटों के बीच आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के हालात को देखते हुए पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं को सलाह दी कि अन्य नेताओं के खिलाफ या पार्टी के आंतरिक मामलों के बारे में वे सार्वजनिक बयानबाजी करने से बचें। हालांकि राजस्थान कांग्रेस में इस सलाह का असर नहीं दिख रहा। सचिन पायलट द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह करने के बाद साल 2020 में उन्होंने पायलट को निकम्मा और नकारा कहा था। उस दौरान पायलट के साथ 18 अन्य विधायकों का भी साथ मिला था। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया था। दोनों नेताओं के बीच आंतरिक कलह साल 2018 में पहली बार सामने आया। उस दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और दोनों गुट प्रत्याशियों के चयन में हस्तक्षेप करते हुए अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते थे। इसके बाद पार्टी की जीत हुई तो मुख्यमंत्री पद को लेकर भी दोनों का मन मुटाव सामने आया। जब पार्टी ने अशोक गहलोत को प्रदेश का मुख्यमंत्री और सचिन को उप मुख्यमंत्री बनाया तो यह कलह थमने के बजाय और उग्र हो गई। दोनों नेता अपने अपने मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर आमने सामने आ गए। इसके बाद पायलट 18 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा। दोनों गुट के नेता एक दूसरे पर गद्दार, रजिस्टर दलाल, चरित्रहीन जैसे आरोप लगा रहे हैं। उधर सचिन पायलट कुर्सी के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लगातार सिफारिश लगा रहे हैं। सचिन पायलट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।